आज माशाल्लाह से मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। सुबह सुबह बारिश हुई है और अभी जो है वो थोड़ी थोड़ी धूप निकली हुई है और जो है बहुत अच्छा मौसम है कि हम लोग कपड़े वगैरह भी सुखा सकते हैं और मौसम ठंडा भी हो गया है। तो जनाब इधर मैंने रखा हुआ है आलू। आज मैंने आलू और चिकन जो है वो बॉईल कर रही हूँ और उनके कबाब मैंने बनाने हैं, वो भी रेसिपी आपके साथ मैं अभी शेयर करूँगी। और अभी मैंने उबलने के लिए रखे हुए हैं। अभी आपको मैंने मौसम दिखाया है बाहर से कि आज माशाल्लाह से बहुत प्यारा सा मौसम बना हुआ है। मैं पहले जो है वो उबाल लेती हूँ, कुकर में उबाल लेती हूँ चीज़ें इस तरह की जो उबालनी हो। तो आज मैंने जो है हांडी में रख ली हुई है ये उबलने के लिए, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम था शाम होने में। जाहिर सी बात है शाम को बनाने हैं ये कबाब, मैंने बनाने हैं आलू और चिकन के कबाब हैं और शाम को ये मैं बनाऊंगी। और अभी अभी से मैंने इनको बॉईल करने के लिए रखा है और आधा चम्मच सॉल्ट जो है वो मैंने ऐड कर दिया। और ये देखें चिकन आलू बड़े बड़े थे मेरे पास, उनके मैंने दो दो तीन तीन पीसेस किए हैं और अब ये उबलने के लिए रखा हुआ है। और जैसे ही उबल जाते हैं फिर इनमें मैं प्याज और सब्ज़ मिर्च और गरम मसाला और मसाला जात जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये रेसिपी ये जब मैं तैयार करूंगी तो बताऊंगी आप लोगों को। और जो है आज मौसम ठंडा ठंडा मौसम है, आज मैंने भी आहिस्ता आहिस्ता करके काम किए हैं। सुबह बच्चों के जाने के बाद मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता ये काम किए हैं सारे। और अभी ये देखें चीज़ें समेटी नहीं है मैंने, बर्तन वगैरह धो के वहीं रखे हुए हैं अभी, तो वरना ये साथ साथ मैं समेट देती हूँ। तो अभी जो है ये बना रही हूँ, अभी ये अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो काम करूँगी किचन का। और अभी चाय बनाई है, चाय पी है हम लोगों ने और समोसे मिल गए थे आज बने हुए, तो वो बाहर से मंगवाए हैं तो काफ़ी टेस्टफुल थे, वो भी वो खाए हैं। और सालन जो है वो दो तीन किस्म का सालन जो है वो फ्रिज में पड़ा हुआ था आज, तो मैंने सोचा आज फिर कबाब ही बनाए जाएं। और वैसे भी कबाब बनाने की रेसिपी एक भी नहीं मेरी वीडियो में अभी तक बनी, तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये आपके साथ शेयर करूँ ताकि आप लोग भी बनाया करें। और बना के ये कबाब जो है ये फ्रीज कर लिए जाए तो सबसे बेस्ट होता है कि कोई भी मेहमान आ जाए, या अक्सर नाश्ते में जो है ये पसंद किए जाते हैं कबाब इस तरह के, या वैसे बर्गर और इस तरह की चीज़ें बनानी हो तो कबाब पहले से ऑलरेडी मौजूद हो तो वो बेस्ट हो जाता है, इजी हो जाता है काम, वो ज़रा हमें इस तरह की मेहनत जो है वो अर्जेंट नहीं करनी पड़ती है, तो इसलिए मैंने ये बनाए हैं। अब आज बना रही हूँ तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और एक जो कल भी मैंने आपको एक टिप बताई थी चावलों के बारे में, तो आज मैं एक टिप बताऊंगी गंदम के बारे में, जो कि गंदम हम लोग जब गंदम की कटाई होती है तो जो हम घरों में सेव कर लेते हैं खाने के लिए, तो वो लोग जो हैं उन लोगों के लिए टिप्स हैं। अक्सर लोगों के दाने जो हैं गंदम के वो उनको कीड़ा लग जाता है या वो वैसे ख़राब हो जाते हैं, तो वो उनकी मेन जो बेसिक रीज़न है वो ये है कि जब कटाई करके गंदम घर लेके आते हैं तो एटलीस्ट दो दिन उनको आप खुले रहने दें, यानी बोरियों से बाहर निकाल के उनको धूप में रखें, या वैसे ही आप धूप अगर नहीं है तो आप उनको वैसे ही बरामदे में या किसी कमरे में उनको खोल दें, दाने जो हैं वो अच्छे से जब खुशक हो जाते हैं तो तब उनको सेव करें, क्योंकि वो सारा साल जो है वो एक बर्तन में यानी जिसको हम पंजाबी में भड़ोला कहते हैं उसमें हम डाल देते हैं, तो जाहिर सी बात है सारा साल वो उसमें पड़े रहते हैं। तो अगर गीले गीले यानी फ्रेश फ्रेश गंदम बाहर से ला के डाल दें तो वो ख़राब हो जाती है, तो इसलिए उसको सेव करने से पहले अगर उसके तवज्जो दी जाए तो वो ख़राब नहीं होती और ना ही कीड़ा लगता है।
क्योंकि ये कुछ लोग जो हैं वो गोलियां वगैरह या कोई मेडिसन्स या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो दानों में रखते हैं ताकि दानों को कीड़ा ना लगे, सुसरी वगैरह ना लगे और ये ख़राब ना हो। लेकिन मैं तो ये समझती हूँ कि सबसे बेस्ट जो तरीका है ना वो यही है कि इनको 2-3 दिन आप सेव करने से पहले 2-3 दिन धूप लगवाएं तो वो सबसे बेस्ट रहता है। वो धूप लगवाने से वो दाने बिल्कुल खुश्क हो जाते हैं और जो कसर उनको पकने में रह जाती है वो भी पूरी हो जाती है, तो फिर इस वजह से वो ख़राब नहीं होते। तो मैं इंशाल्लाह रोज़ जो भी वीडियो बनाया करूँगी मैं आपको कोई ना कोई टिप जो है वो ज़रूर बताया करूँगी। आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अभी मैं आलू उबले नहीं है, अभी जैसे ही उबल जाते हैं तो फिर ये रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ।